Good morning, students, and welcome to the next class of economics. Today we will discuss the fourth chapter of your book. The name of this chapter is the strategy of industrial growth during the period of 1947 to 1990. In this chapter, we will discuss about the importance of agriculture, sorry, importance of industrial sector in an in our economy and the policy which uh, were adopted by the by our government during the period of 1947 to 1990 for the purpose of improving, yeah, increasing the industrial growth in the economy. Firstly, Beta, let's start with the first slide. Firstly, we will discuss about the importance of industry in the Indian economy. As you know that, Beta, industry plays an important role in the process of growth and development of a country, meaning without Growing the industry, we cannot grow our economy without accelerating the industrial growth, we cannot accelerate our economic growth accelerate our GDP growth. So now we will discuss some point which shows the importance of industry in the Indian economy. The first point is the epicenter of economic growth. but industry is a central point industry. जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है सबसे स्टार्टिंग के अंदर जब भी कोई इकोनॉमी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसकी इकोनॉमी के अंदर सबसे क्रूसियल रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर सेक्टर फ्टर डेवलोपिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर सेकेंड जो सेक्टर डेवलप होता है वो मैन्यूफेक्ट्रियल सेक्टर डेवलप होता है ठीक है बिता? और बिता, इंडिया के अंदर इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर सेक्टर को रिप्लेस कर दिया मीनिंग पहले हमारी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा थी बट आफ्टर दैट इंडिया आवर डिपेंडेंस इज मोर ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाई Because rise rise in in the demand of agricultural goods consequent upon a rise in income is always very modest. अपन बेटा अगर पर्सन की इनकम बढ़ती है तो वो एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड ज्यादा नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि बेटा एग्रीकल्चरल गुड्स आर ऑफ़ लाइफ एंड हैव ए लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड

इसलिए बेटा जो इंडस्ट्रियल गुड्स है उनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुछ हाई होती है लेकिन एग्रीकल्चरल जो गुड्स हैं उनकी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड लो होती है इसलिए बेटा जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वो ज्यादा इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड करने स्टार्ट करते हैं और ज्यादा गुड्स की जब डिमांड होती है तो इकोनॉमी के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन होता है और ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमारी इकोनॉमी हमारी जीडीपी ग्रो होती चली जाएगी बिकॉज हमें पता है बेटा जीडीपी क्या होता है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर

ने रिप्लेस कर दिया द द नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इकोनॉमी देखिए बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट व्हेन एग्रीकल्चर वाज ऑलरेडी ओवरबर्डन

फार्मिंग करने के लिए वी रिक्वायर्ड सम मशीन लाइक ट्रैक्टर है हार्वेस्टर है थ्रेसर है लाइक uh, कंबाइन like है ये सभी कहाँ प्रोड्यूस होते हैं दे ऑल आर इन द इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री विल नॉट बी देअर तो हम क्या नहीं कर सकते हम एग्रीकल्चर के लिए मशीन को यूज नहीं कर पाएंगे मीनिंग द मशीनरी यूज इन द एग्रीकल्चर वर प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर

मीनिंग बेटा कि अगर इंडस्ट्री नहीं है तो ग्रोथ प्रोसेस जो है या एरिया ऑफ ग्रोथ जो है है वो हो जाता मीनिंग हम केवल अपनी इकोनॉमी को एग्रीकल्चर को डेवलप करके ही ग्रो कर पाएंगे अगर इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो अंडरस्टैंड बेटा तो इसलिए ये इंडस्ट्रीज जो हैं वो ग्रोथ प्रोसेस को डायनामिज्म बनाता है मतलब एरिया ऑफ ग्रोथ प्रोसेस को इंक्रीज करता है चेंजेबल बनाता है नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन जनरेटेड ए वे ऑफ कंज्यूमरिज्म कंज्यूमरिज्म को इंक्रीज करता है मीनिंग बेटा इंडस्ट्रीज के अंदर वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड होती है जो कंज्यूमर यूज करता है जैसे हम बात करते हैं बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर केवल वीट को प्रोड्यूस करता है लेकिन इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसी वीट से वो आगे ब्रेड भी बनाता है बिस्किट भी बनाता है बर्गर भी बनाता है वेराइटीज ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड या मेड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल आउटपुट मीनिंग कंज्यूमरिज्म कंज्यूमर के लिए वेराइटीज ऑफ एम्पल्स ऑफ गुड्स जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर डेवलप या जो है प्रोड्यूस की जाती है मीनिंग बनाई जाती है अंडरस्टैंड बेटा मीनिंग ग्रोथ प्रोसेस को कुछ वाइड बनाता है ग्रोथ प्रोसेस को डायनामिक डायनामाइज करता है कौन इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं होगा देन अवर ग्रोथ हैव बीन जस्ट रिस्ट्रक्टेड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जनरेट ए वेव ऑफ कंज्यूमरिज्म कंज्यूमरिज्म को इंक्रीज करता है द नेक्स्ट वन इज द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन को इंक्रीज करता है

लोगों को रूरल एरिया से कहां पे माइग्रेट करता है अर्बन एरिया के अंदर माइग्रेट करता है एंड अर्बनाइजेशन हैज लेड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन मीनिंग जितना ज्यादा अर्बन एरिया होगा उतना बेटर जो है मीनिंग हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंप्रूव होता चला जाएगा तो क्या करता है बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो सिविलाइजेशन को इंप्रूव करता है The next one is infrastructural growth. What's the meaning of infrastructural growth, Bita? Infrastructure facilities covered now. Just road and transportations, just say communication facilities, hai, banking and insurance facilities, just jaise power generating facilities, hai, road transportations, hai, they all are the infrastructure sector. अब जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होगी उतने ज्यादा रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हमें चाहिए उतनी ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज़ की हमें जरूरत पड़ेगी उतनी ज़्यादा वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हमें रिक्वायर्ड होंगी उतनी ज़्यादा हमें इंश्योरेंस सर्विसेज रिक्वायर्ड होगी उतनी ज़्यादा हमें पावर जनरेटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी

मीनिंग विदाउट डेवलोपिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर वी कैन नोट डेवलोप अवर इकोनॉमी मीनिंग अगर हमें अपनी इकोनॉमी को हमारी जीडीपी को ग्रो करना है डेफिनेटली वी हैव टू ग्रो अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर मीनिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना हम इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर सकते दैट्स व्हाई इट इज ए साइन क्वानोन इट इज ए कंपल्सन

इंडिपेंडेंट जब हम हुए हमें पता है बेटा 1950 के अंदर हमने प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महाल महल नोबिस और उसके बाद हमने 1951 के अंदर क्या स्टार्ट किया बेटा हमारा जो है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान स्टार्ट किया और 1956 के अंदर हमने जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट पास किया था और हम इसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं उस टाइम पे बेटा मतलब 1947 से 1990 तक इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए हमने ज्यादा प्रेसराइज किया ज्यादा मीनिंग एनकरेज किया पब्लिक सेक्टर को या गवर्नमेंट को मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका था गवर्नमेंट का था स्टेट का था पब्लिक सेक्टर का था और ऐसा क्यों था वाई द पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक या स्टेट या गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट is required was required ऐसा required क्यों था क्यों हमें जरूरत थी तो दीज आर सम पॉइंट्स बेटा जो शो करते हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इज नेसेसरी इसके बिना हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे क्यों नहीं कर सकते थे फर्स्ट पॉइंट है बेटा द लैक ऑफ कैपिटल हमें पता है बेटा ब्रिटिशर्स इनहेरिटेड अस ए वेरी स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकॉनमी उन्होंने हमें जो दिया था वो एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी वो एक स्टेग्नेंट इकोनॉमी थी जिसके अंदर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं थी पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ रही थी लोगों की नेशन की नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं हो रही थी हमारी इकोनॉमी स्टक थी हमारी इकोनॉमी ठहरी हुई थी हमारी इकोनॉमी जो है वो एक स्टेग्नेंट इकोनॉमी थी मतलब लोगों के पास पैसे की प्राइवेट इंडिविजुअल के पास लैक ऑफ कैपिटल था पैसे की कमी थी अंडरस्टैंड बेटा द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर द कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज फॉर बिहाइंड फॉर uh, sorry far beyond the capacity of private sorry private individuals मतलब बेटा जैसे उस टाइम की अगर हम बात करें टाटा एंड बिरला जो है कुछ एस्टेब्लिश बिजनेस हाउसेज थे लेकिन उनके पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो इकोनॉमी के अंदर पूरी इकोनॉमी के अंदर पूरे इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके इंडस्ट्री को स्टार्ट कर पाए इसलिए बेटा किसका पार्टिसिपेशन जरूरी था गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन जरूरी था इसलिए ये रिक्वायरमेंट थी ये जरूरत थी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बिग पुश बड़ा सहारा देने के लिए क्या किया जाए गवर्नमेंट जो है या पब्लिक सेक्टर या स्टेट जो है वो खुद इन्वेस्टमेंट करे समझ में आएगा बेटा अकॉर्डिंगली इट बिकेम असेंशियल फॉर द स्टेट टू पार्टिसिपेट इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ मीनिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल नहीं थी नेक्स्ट वन इज लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट टू टू इन्वेस्ट इन्वेस्ट मीनिंग बेटा इन्वेस्ट करने की इच्छा बेटा कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल कब इन्वेस्ट करेगा कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल अपना बिजनेस कब स्टार्ट करता है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करता है अब उसकी इच्छा इन्वेस्ट करने की तभी होती है जब उसको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा प्रॉफिट कब होगा बेटा जब उसका प्रोडक्ट बिकेगा उसका प्रोडक्ट कब बिकेगा जब लोगों के पास पैसा होगा मीनिंग जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम पे ऑलमोस्ट पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द सभी लोग गरीब थे इसलिए लोगों के पास पैसे की कमी थी मतलब देखिए बेटा यहाँ पे प्रोसेस आपको कंप्लीट बताई गई है पीपल हैव द लो इनकम उनके पास पैसा कम था दैट्स दे मेक लो डिमांड वो कम डिमांड करते थे डिमांड कम होती थी तो मार्केट का साइज क्या था छोटा था मतलब प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिकता था लो मार्केट का साइज छोटा था इसलिए इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट बेटा जब मार्केट का साइज छोटा रहता है, है तो कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो वो इन्वेस्ट करने की इच्छा नहीं रखेगा जिसके कारण इन्वेस्टमेंट कम होती है और इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण लोगों को इन्वेस्टमेंट कम होने से बिजनेस वगैरह कम स्टार्ट होते हैं बिजनेस वगैरह जब कम स्टार्ट होते हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता और लोगों की इनकम डाउन होती चली जाती है और ये विकीसियस साइकिल चल पड़ता है लो 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 इनकम इनकम के low demand. Low demand होने के कारण कारण डिमांड डिमांड होने होने मार्केट मार्केट का साइज साइज लिमिटेड लिमिटेड हो जाता है होने से बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करना चाहता इन्वेस्ट नहीं करना चाहता तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट कम होगी तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होंगे फैक्ट्री स्टार्ट नहीं होगी लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा और उनकी इनकम कम होती चली जाएगी और कम इनकम होने से दोबारा से यही साइकिल चल पड़ेगा वो डिमांड कम करना स्टार्ट कर देंगे दैट इज विकीसियस साइकिल इसलिए बेटा उस टाइम पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है वो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट उसकी बड़ी लो थी वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था इसलिए इन्वेस्टमेंट किसको करना पड़ा गवर्नमेंट को करना पड़ा समझ में आएगा बेटा इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी था नेक्स्ट वन इज द ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर

इसलिए बेटा अगर हम बात करते हैं कि उस टाइम पे सपोज दैट कोई प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट कर भी देता तो वो सस्ता प्रोडक्ट नहीं बेच पाता और महंगा लोग खरीद नहीं पाते क्योंकि लोगों पर क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी इसलिए बेटा सोशल जस्टिस के साथ अगर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट थी अगर उसको कोई फुलफिल कर सकता था तो वो गवर्नमेंट ही कर सकती थी इसलिए बेटा वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर पब्लिक का या गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बहुत ही असेंशियल था

या नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956 बेटा 1956 के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट पास किया गया ए डिक्लेरेशन ऑफ लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट द मीनिंग ऑफ स्टेट हेयर बेटा स्टेट्स मीन गवर्नमेंट मीनिंग बेटा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट 1956 पास किया गया उसके अंदर जो से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन करेगा गवर्नमेंट करेगी ठीक है जी तो फॉलोइंग प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट 1956 कुछ प्रिंसिपल एलिमेंट्स इसके क्या क्या हैं थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलशन एक्ट था बेटा उसने इंडस्ट्रीज को तीन टाइप से क्लासिफाई किया मतलब थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री जो है उस ए, एक्ट के अंदर बताई गई फर्स्ट कौन सी थी बेटा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है वेयर ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट दैट इज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नेक्स्ट वन इज बोथ एज द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इट इज दंबिनेशन ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट एंटरप्राइजेस वे सम कंट्रोल इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इन देंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्ड दिवस सेक्टर प्राइवेट एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर जिसके अंदर कुछ शेयर गोवर्मेंट का होता है और कुछ शेयर प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है तो सेकंड टाइप कौन सा हुआ बेटा कोपरेटिव सेक्टर कह सकते हैं जो प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का कंबिनेशन है और जो भी बाकी बच के बेटा द ओल आर इंक्लूड इन द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज जहा पे कंट्रोल किसके हाथ में होता था प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता था तो बेटा जो हमारा आईपीआर 1956 था उन्होंने इंडस्ट्री उसने इंडस्ट्री को तीन पाई टाइप से डिवाइड किया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडरस्टैंड बेटा नेक्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बेटा आईपीआर 19 बेटा आईपीआर को हम स्टैंड आईपीआर स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन मैं बार बार अगर आईपीआर यूज करता हूं तो आप समझेंगे उसको इट इज इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 तो बेटा लाइसेंसिंग आईपीआर जो है इसके अंडर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट था मीनिंग इफ एनी प्राइवेट इंडिविजुअल वॉन्ट टू एस्टेब्लिस एनी एनी इंडस्ट्री फर्स्टली ही और सी हैव टू ग्रैप द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट उट ग्रैबिंग द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्मेंट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री को स्टार्ट नहीं कर सकता था अंडरस्टैंड बेटा तो इस आईपीआर के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम को स्टार्ट किया गया मीनिंग प्राइवेट सेक्टर वुड बी एस्टेब्लिश ओनली थ्रू द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग द लाइसेंस फॉम द गवर्नमेंट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल कैन नॉट स्टार्ट देअर बिजनेस और ऐसा क्यों किया गया बेटा लाइसेंसिंग पॉलिसी को क्यों अडोप्ट किया गया बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट वॉन्ट टू प्रमोट द रीजनल इक्वेलिटी बेटा रीजनल equality मीन बेटा इफ एनी प्राइवेट इंडिविजुअल वॉन्ट टू स्टार्ट एनी बिजनेस एंटरप्राइजेस इन द बैकवर्ड रीजन तो क्या होता था बैकवर्ड रीजन के अंदर उसको इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस बड़ी आसानी से दे दिया जाता था

ठीक है जिससे बिजनेस ज़्यादा से ज्यादा बैकवर्ड एरिया है तो हम वहां पर आपको पांच साल तक कोई टैक्स नहीं देना है योर इनकम इज एक्स फ्रॉम द टैक्स फॉर फर्स्ट फाइव इन दैट इज टैक्स होलीडे क्यों किया गया केवल कि रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट कर करने के लिए कंसेशन किया गया नेक्स्ट वन सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दी गई जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर गवर्नमेंट चार्ज करती है तो हो सकता है बैकवर्ड एरिया के अंदर थ्री रुपीज पर यूनिट चार्ज किया जाए सब्सिडी ट्रांसपोर्ट के अंदर सब्सिडी दे दी जाए

तो यहां पे बेटा आपको समझना है इंडस्ट्रियलाइजेशन है टू ब्रॉड डायमेंशन दो डायमेंशन है लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो बेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी ग्रो किया गया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी ग्रो किया गया लार्ज स्केल इंडस्ट्री को ग्रो किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन है इंश्योरेंस बैंकिंग है कम्युनिकेशन है इन सब चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट इकोनॉमी का बढ़ाने के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया और बेटा एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा दिया जाए और इक्विटी आए मतलब समानता जो है एक जैसा इक्वल जो है ट्रीटमेंट सभी पर्सन के साथ हो उसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेटा एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी को कैसे प्रमोट करते हैं हम ये नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे यहां पे आपको समझना है बेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए प्रमोट की गई या जनरेट की गई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड

फाइव करोड़ रुपीज से नीचे जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है पांच करोड़ रुपए से कम जिसके अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसको हम क्या कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे बट बेटा 1950 अंदर 51 के अंदर में ये लिमिट कितनी थी 5 ,00 रुपीज थी लाख बाद में इसको बढ़ा के फाइव करोड़ कर दिया गया अंडरस्टैंड बेटा कार्वे कमेटी वन मार्क्स के लिए बेटा आपको इसको जरूर याद करना है कारवे कमेटी वॉज एस्टाब्लिस्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इन 1955 के बेटा एक कार्वे कमेटी कार्वे एक पर्सन था एक मीनिंग हम कह सकते हैं एक ऑफिसर था जिसके अंडर में कार्वे कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया किस परपज से बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए अंडरस्टैंड बेटा So, होप्स आज के टाइम लिमिट 5 करोड़ है अगर 5 करोड़ से कम है 5 करोड़ या उससे कम है तो दैट तो इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर कैपिटल इन्वेस्टेड उससे ज्यादा है तो उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहेंगे अंडरस्टैंड बेटा और कौन सी कमेटीब्लिश की गई थी कार्वे कमेटी 1955 के अंदर नेक्स्ट है

स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक से आज इकोनॉमिक स्टूडेंट बेटा आपको पता होगा कि प्रोडक्शन के लिए वी कैन यूज द टू टाइप्स ऑफ टेक्निक लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स मीन व्हेन वी डू द प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ सोफेस्टिकेटेड मशीनरी या हैवी कैपिटल इन्वेस्टेड मशीनरी और लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स व्हेन वी यूज द व्हेन वी डू द प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मैनुअल लेबर जब हम वर्कर से काम करवाते हैं तो बेटा जो लेबर इंटेंसिव जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज नहीं करती वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करती है और जितनी ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी बेटा उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता चला जाएगा इसलिए बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड जो है प्रमोट करती है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है यू कैन सी दैट सी दैट पोजिशन इन दिक्चर आप इस फोटो के अंदर यह चीज देख सकते हैं कि नंबर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री के अंदर एंगेज तो है लेबर इंटेंसिव टेक्निकॉयमेंट प्रोवाइड फ्रेंडली दे प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इकोनॉमी द नेक्स्ट वन इज स्म स्केल इंडस्ट्री शो द लोकेशनल फ्लेक्सीबिलिटी एंड देयर फॉर इक्विटी ओरिएंटेड यहां पर आपको समझना है बेटा लोकेशनल फ्लेक्सीबिलिटी का मीनिंग क्या है बेटा लोकेशनल फ्लेक्सीबिलिटी मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन बी एस्टेब्लिस कैन बी स्टार्ट एनीवेयर इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें कोई प्राइम लोकेशन चाहिए वी कैन स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एनी वेयर क्यों क्योंकि इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटीरियल इज वेरी लो बेटा जहां पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर जब हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि हम ऐसी लोकेशन के अंदर उसको एस्टेब्लिश करें जहां पे हमें आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना होता है और बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत होती है

शो द लोकेशन फ्लेक्सीबिलिटी एंड इक्वेलिटी ओरिएंटेड होती है अंडरस्टैंड बेटा थर्ड ऑफ स्मॉल स्केल स्केल इंडस्ट्री इंडस्ट्री कि स्मॉल स्मॉल नीड्स द इन्वेस्टमेंट थोड़ी इन्वेस्टमेंट इनको चाहिए होती है एंड देयर फॉर इक्विटी ओरिएंटेड इसलिए ये इक्विटी ओरिएंटेड होती है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड मीनिंग एनीबडी कैन स्टार्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई भी स्टार्ट कर सकता है इसके लिए ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक गवर्नमेंट की, uh, की बहुत सारी स्कीम है जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है बेटा लोन uh, लेकर के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट किया जा सकता है मीनिंग बेटा ये स्मॉल स्केर का डिफ्रेंस नहीं है केवल यही नहीं है कि कोई वेल एस्टेब्लिश बिजनेस स्केल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर पाएगा कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर छोटा एंटरप्रेन्योर एगर एंटरप्रेनोर जो होता है वो भी जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकता है

अंडरस्टैंड बेटा और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट 1956 के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इक्विटी और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड या इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए प्रमोट किया गया था नेक्स्ट है बेटा द साइलेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1950 टू 1990 1950 से 1990 तक जो हमारी स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसकी क्या क्या फीचर्स थी फर्स्ट फीचर थी बेटा कि जो पब्लिक सेक्टर था उसको सेंट्रल मतलब रोल दिया गया प्राइमरी रोल किसको दिया गया मतलब मतलब अगर प्राइवेट एंटरप्रेनोर्स या प्राइवेट इंडिविजुअल कोई बिजनेस करना चाहता था वो किससे के करता था या परमिशन किसकी परमिशन से करता था गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन इंपोर्ट सब्सिट्यूशन के ऊपर किया गया मीनिंग ऑफ इमोशन बेटा ट्राई टू मेक द प्रोडक्ट इन इंडिया से इंपोर्ट करते थे उसको अपने देश के अंदर ही बनाने की कोशिश करना दैट इज द तो सब्सिट्यूशन ज्यादा से ज्यादा 1950 से 1990 तक import substitution की पॉलिसी के ऊपर किया गया बेटा दो पॉलिसी होती है इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी के अंदर हम इंपोर्ट को कम करते हैं और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के अंदर हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड बेटा तो 1950 से 1990 के बीच हमने इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी को अडोप्ट किया हाँ, नाइनटीन आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को यूज किया जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंड बेटा तो 1950 से 1990 तक क्या किया हमने इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया हमने उन गुड्स को अपने देश के अंदर प्रोड्यूस करने की कोशिश की जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे नेक्स्ट वन इज द डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फोन कंपटीशन जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडिया की थी उनको फॉरन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया गया कैसे प्रोटेक्ट किया गया बेटा इसके लिए कुछ क्वान्टिटिव एंड कुछ मीनिंग इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई बाहर से जो गुड्स इंपोर्ट होती थी उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा कर दी गई जिससे इम्पोर्ट जो है वो कम होने स्टार्ट हुए और नेक्स्ट क्या किया गया कुछ क्वान्टिटीवी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कोटा फिक्स कर दिया गया कि आप इम्पोर्ट कर सकते हैं लेकिन एक नंबर फिक्स कर दिया गया आप इससे ज्यादा इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे जिससे क्या हुआ बेटा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरन कॉम्पिटिशन से प्रोटेक्ट किया गया लार्ज स्केल इंडस्ट्री वॉज डेवलप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया गया फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर बेस इन द इकोनॉमी कि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ग्रो हो इसके लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप किया गया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप क्यों किया गया ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी एंड इक्वालिटी बढ़ाने के लिए ये हम पीछे आने वाले पीछे पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं अंडरस्टैंड बेटा नेक्स्ट इज द गुड इफेक्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी जो हमने strategy की बेटा इस स्ट्रेटजी को इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी भी कहते हैं इस strategy को import substitution strategy भी कहते हैं ये वो जो जो है जो हमने 1950 से 1990 के बीच में की जहां पे प्राइमरी सॉरी जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर था उसको प्राइमरी रोल दिया गया प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन पे जोर दिया गया तो ये पॉलिसी स्ट्रेटजी ये जो हमने अडोप्ट की थी इसके क्या क्या गुड इफेक्ट रहे तो बेटा इसका गुड इफेक्ट सबसे पहला तो ये था कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी उसको एक बड़ा पुश मिला बिग पुश मिला हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई इसमें इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है हमारा 1950 से 1991 तक हर साल 6 परसेंट इंक्रीज होता था ठीक है जी हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है ड्यूरिंग दिस स्ट्रेटजी पीरियड इंक्रीज विद सिक्स परसेंट एनुअली हर साल मतलब इस साल अगर हंड्रेड का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है तो अगले साल एक सौ छह का हो जाएगा वन जीरो सिक्स का हो जाएगा मीनिंग क्या है कि हर साल सिक्स परसेंट एनुअली ग्रोथ जो है हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट का रहा

डिस्ट्रॉय uh, करना स्टार्ट कर दिया क्यों क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अंदर बेटा आपको पता है बहुत सारा करप्शन है इन एफिशियंसी है लीकेज है प्लीफ्रिज है ये लीकेज क्या है बेटा कि हम बात करते हैं कि ऊपर से पैसा जो है हंड्रेड रुपीज चलता है और नीचे बेनिफिशियरी तक पहुंचते पहुंचते वो ट्वेंटी फाइव रुपीज रह जाता है दैट इज द लीकेज

हम बात करते हैं सैलरी ज्यादा लेते हैं लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है उनका जो है हम बात कर सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो बहुत डाउन है मीनिंग क्या है वहां पे कॉस्ट ज्यादा है लेकिन आउटपुट डाउन है दैट इज द इन अंडरस्टैंड बेटा तो पब्लिक सेक्टर के अंदर करप्शन है इन है लीकेज है प्लीफ्रिज है जिसके कारण बेटा हमारे इकोनॉमी के रिसोर्सिस का

नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया बट ट पॉलिसी फेल टू अचीव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी मीनिंग हमने बाहर से किसी भी गुड्स को इंपोर्ट नहीं होने दिया बाहर से गुड्स इंपोर्ट नहीं हुई तो बाहर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रेस्ट ऑफ वो द वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इंडिया के अंदर नहीं आई और हमारा जो मीनिंग हमारी जो गुड्स थी वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की थी पुरानी टेक्नोलॉजी से हम गुड्स को प्रोड्यूस करते रहे जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट हमारा गुड्स जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया और हमारे एक्सपोर्ट डाउन होने शुरू हुए

क्योंकि हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट ही नहीं होने दिया क्योंकि हमने तो लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी हमने तो इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी को किया था हमने तो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट को इम्पोर्ट होने ही नहीं दियान एक्सचेंज फॉर एक्सचेंज करेंसी हमने फॉरन uh, करेंसी को सेव करना स्टार्ट किया मतलब बाहर से कोई भी गुड्स इंपोर्ट हमने नहीं होने दी अगर इंपोर्ट होती तो हमारी फॉरेन करेंसी बाहर चली जाती हमने बेटा क्या किया इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी के थ्रू केवल नेसेसिटी गुड्स को ही इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट कोई किया ही नहीं मतलब हमने फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने की कोशिश की जबकि फॉरेन एक्सचेंज को जनरेट नहीं किया फॉरेन एक्सचेंज जनरेट होती है बेटा एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो फॉरन करेंसी जाएगी लेकिन बेटा हमने क्या किया एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं किया मतलब फॉरन करेंसी फॉरन एक्सचेंज हमारे कंट्री के पास नहीं आई जबकि जो नसेसली नसेसिटी इंपोर्ट था उसके थ्रू हमारी करेंसी या फॉरन करेंसी बाहर जाती चली गई जिससे हमारा फोर रिजर्व फॉरन एक्सचेंज का रिजर्व जो है बेटा वो श्रिंक होना स्टार्ट हुआ वो डाउन होना स्टार्ट हुआ और 1990 के अंदर हमारा जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व था वो ओल्ड टाइम बॉटम पे चला गया था सबसे नीचे चला गया था और बेटा आप सरप्राइज होंगे उस टाइम पे पोजीशन ये थी कि हम 10 दिन का भी इंपोर्ट बिल पे नहीं कर सकते थे हमने उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक से गोल्ड को एज ए मोर्गेज हमने क्या किया हमने फॉरन एक्सचेंज जो है लोन पे ली और फिर हमने इंपोर्ट बिल को पे किया फिर हमने को इंपोर्ट किया तो दैट इज ऑल्सो ए बैड इफेक्ट

एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया जिससे हमारा फॉरन एक्सचेंज का रिजर्व ऑल टाइम बॉटम पे चला गया नाइनटीन 1990 के अंडर अंडरस्टैंड बेटा तो दीज आर सम बैड इफेक्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी।

स्ट्रेटजी को छोड़ के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा ठीक है बेटा दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर होप सो बेटा ये चैप्टर आपको सारा समझ में आया होगा ओके okay, बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो जब भी हम स्कूल के अंदर वापस आएंगे उस टाइम पे आप फिर से इसको पूछ सकते हैं ओके बेटा होप सो इट विल बी बेनिफिशियल टू फॉर ऑल ऑफ यू ठीक है ओके हैव ए नाइस डे बाय